अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मदनी ताहिर और आपकी खिदमत में गाड़ियों के हवाले से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूं। दोस्तों आज हमारी वीडियो दो गाड़ियों पर मुश्तमिल है, जिनमें से एक प्राडो है जिसकी फ़ोटो स्क्रीन पर देख रहे हैं और दूसरी निसान पाथफाइंडर है। तो बात को इसी गाड़ी से शुरू करते हैं। दोस्तों एक गाड़ी टोयोटा प्राडो RZ ट्रिपल डोर है। इस गाड़ी का मॉडल जो है वो 1996 ता 2010 लिखा हुआ है डिटेल के मुताबिक, और इस गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन है वो इस्लामाबाद की है। 1KZ इंजन है इस गाड़ी का और गाड़ी मैकेनिकली बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में है, किसी किस्म के वर्क की ज़रूरत नहीं है। और ये गाड़ी 4X4 है और 4WD इसका वर्किंग है। गाड़ी हर लिहाज से परफेक्ट है। 1KZ इंजन है इस गाड़ी का और गाड़ी मैकेनिकली बिल्कुल ओके है। इसका सस्पेंशन भी बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में है। बॉडी के लिहाज से अगर बात करें तो बॉडी भी इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। किसी किस्म का मेजर एक्सीडेंट नहीं है गाड़ी में, बिल्कुल नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी है। और इस गाड़ी की लोकेशन जहां पर आपको ये मिलेगी वो डिटेल के मुताबिक सरगोधा बताई गई है। साफ़ सुथरे डैशबोर्ड के साथ आपको इसका इंटीरियर भी बहुत ही साफ़ सुथरा देखने को मिलेगा। और इस गाड़ी की कीमत जो है वो डिटेल के मुताबिक 30,50,000 बताई गई है। तो दोस्तों अगर आपने ये गाड़ियाँ ख़रीदनी हैं, इन गाड़ियों में से कोई भी गाड़ी ख़रीदनी है, तो मैं आपको एक बात क्लियरली बताता चलूँ कि आप वो अपनी ज़िम्मेदारी पर ख़रीदेंगे। आपके बीच में और इसके मालिक के बीच में ही जो चीज़ तय होगी वो आप उसके ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि मेरी वीडियो का मकसद आप तक सिर्फ़ और सिर्फ गाड़ियों की डिटेल पहुँचाना है, ना कि किसी किस्म की ज़िम्मेदारी है। तो आइए दूसरी गाड़ी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों गाड़ी निसान पाथफाइंडर है और ये गाड़ी इस वक्त कराची में मौजूद है और इसका मॉडल जो है वो 1992 है। इंजन इसका ओरिजिनल TD2.7 इंजन है और AC भी इसका वर्किंग है। ये गाड़ी 5-डोर है और ओरिजिनल इंटीरियर के साथ इसकी लाहौर की रजिस्ट्रेशन है। नंबर प्लेट्स इसके जो हैं वो कंप्यूटराइज्ड हैं और स्मार्ट कार्ड जो है वो इसका मालिक के अपने नाम पर है। इस गाड़ी की कीमत जो है 12 लाख है। दोस्तों इस गाड़ी के मालिक का रब्ता नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं उसके फेसबुक ID की फ़ोटो ज़रूर अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर दूंगा, जिसे आप सर्च करके इस गाड़ी के बारे में मज़ीद जान सकते हैं। तो अगर आपने पिछली गाड़ी के बारे में जानना है उसके मालिक का रब्ता नंबर समेत, तो वो मैं अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर दूंगा, आप मज़ीद जान सकते हैं उससे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।